बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इन्वेस्टिगेशन की बातें हैं, जो ईडी अपना रिपोर्ट जब कंप्लीट करेगा उसमें आएगी। अभी इनके सेल्फ सर्टिफिकेट अपने आप रिया कौन होती है अपने आप को सर्टिफिकेट देने वाले कि ईडी के मामले में कुछ नहीं मिला है? क्या वो सिर्फ ये कहना चाह रही है कि ईडी ने अभी तक अरेस्ट नहीं किया, इसका मतलब कुछ नहीं मिला है? मतलब इसको अगर हम इस तरह से निष्कर्ष निकालें तो दूसरी बात है। अदरवाइज जो ईडी की जांच है, अगर उनको जरूरत पड़ेगी अरेस्ट करने की तो जिस समय करेगी जरूरत वो भी करेंगे, लेकिन अभी जो भी जांच चल रही है उस पर ना तो रिया कोई कुछ बोल सकती है, ना हम कुछ बोल सकते हैं, और ना किसी का बोलना सही है, क्योंकि अभी जाँच अभी चल ही रहा है और जाँच में अभी बहुत कुछ बाकी है। बिहार ने ये एलिगेशन लगाया कि जो आफ्टर थॉट प्रोसेस से बिहार सरकार ने और बिहार पुलिस ने आफ्टर थॉट करके 40 दिन के बाद इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया शुरू किया, एफआईआर किया, इसके ऊपर क्या कहना है आपका? देखिए, जहां तक परिवार का सवाल है, परिवार ने 25 फरवरी को, मतलब सुशांत के मौत के करीब चार महीने पहले ही मुंबई पुलिस को कह दिया था कि सुशांत के जान को खतरा है, जिन लोगों के साथ वो घिरे हुए हैं उनसे उनको खतरा है। उसके बाद भी मुंबई पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। जब मुंबई पुलिस कार्रवाई कोई करना चाहता ही नहीं था, और मौत के बाद भी जहां आप लोगों ने देखा है जिस तरह से मौत हुई है, जिस तरह से पुलिस ने वहां पे लापरवाही बरती है, लोग का आना जाना कोई रोक टोक नहीं था, कोई बिल्डिंग को सील नहीं किया गया, किसी ने नहीं देखा कि इंक्वेस्ट, मुंबई सिर्फ इंक्वेस्ट कर रही थी, इंक्वेस्ट में ये देखना होता है कि फांसी लगी कि नहीं लगी, उस फांसी का लगाने का तरीका क्या था, वो कोई स्टूल पे चढ़ के अपने आप को गिराए कि नहीं गिराए, पलंग से पंखे की ऊंचाई कितनी थी, पंखा उनका वजन ले भी सकता था कि नहीं ले सकता था, तो कुछ भी नहीं किया मुंबई पुलिस ने। जब मुंबई पुलिस ने कुछ भी नहीं किया तो परिवार को एक समय पर लगा कि अब हम कितना क्या इंतजार करें। जब मेरे पास परिवार आए तो बहुत थक के आए कि भाई मुंबई पुलिस कुछ कर नहीं रही, अगर हम उनके पास फिर से कंप्लेंट भेज देंगे तो फिर ये रफा दफा करके ऐसे ही मामला ख़त्म कर देंगे। तब उसके बाद जब हमने इसको पूरा डिटेल डिस्कस किया, तब हमने तय किया कि नहीं, इसका एफआईआर पटना में होना चाहिए क्योंकि दोनों जगह एफआईआर हो सकता है, और पटना में एफआईआर करवाया, और उसके बाद ही जो इन्वेस्टिगेशन हुआ उसके बाद ही हुआ है, उसके पहले कोई इन्वेस्टिगेशन हुआ ही नहीं है। रिया ने ये भी बोला है कि रिया डजंट नो एंड हैज नेवर मेट आदित्य ठाकरे टिल टुडे, अभी तक वो मुलाकात नहीं किया, उनको नहीं जानते, क्या कहना है आप? देखिए, आदित्य ठाकरे का तो हमारे कंप्लेंट में भी कोई जिक्र नहीं है, इसलिए मैं क्यों बोलने जाऊंगा? अगर नहीं जानती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानती है मतलब वो जानती है, नहीं जानती है वो बोल क्यों रही है? हमने एफआईआर में या कोई परिवार की तरफ से कोई ऐसा स्टेटमेंट आया है जो हमने कहा है कि आदित्य ठाकरे का कोई इसमें इन्वॉल्वमेंट है? तो पता नहीं कि जैसे कहते हैं ना, चोर के दाढ़ी में तिनका, आप बोल क्यों रही हैं अपनी तरफ से? आदित्य ठाकरे जस्ट कुछ मीडिया चैनल चला रहे हैं या कुछ लोगों ने बोल दिया, इसमें उनको डिनाइल करने की क्या जरूरत थी? क्योंकि परिवार की तरफ से तो कभी कोई ऐसा कोई एसोसिएशन होने की कोई बात नहीं कही गई है। सर, उनकी बहन की, सुशांत जो है प्रियंका, उनकी बहन पे भी उन्होंने एलिगेशन लगाया है कि उनका मॉलेस्टेशन करने की कोशिश की, एक पार्टी से वापस आए थे तो अजीब सी हरकतें उनके साथ की थी, इसको लेकर भाई बहन में झगड़ा हुआ था। देखिए, जो ये जो कहानी है ना, ये कहानी अब बहुत पुरानी हो चुकी है, ये हमने पहले ही क्लियर कर दिया था कि इसने देखा, जब ये सुशांत की ज़िंदगी में आई, जिस दिन आई और उसी दिन घर मूव कर गई, शिफ्ट कर गई, उसी दिन पहले दिन आई उसी दिन घर शिफ्ट कर गई, घर जब शिफ्ट कर गई तो देखा कि प्रियंका जो बहन है सुशांत की, वो घर पे थी, और प्रियंका के लिए बड़ा अच्छा उसने एक पोएट्री लिखा सुशांत ने उसके सामने कि तुम मेरी, मतलब उसका उसने याद चिड़िया करके लिखा और बताया कि कितना उस पर कितना उसका अहम रोल है उसके ज़िंदगी में। तभी उसने षड्यंत्र का प्लान बनाया कि कैसे प्रियंका को मैं सुशांत से अलग करूँ। और अब जो कहानी जो निकाल रही है वो कहानी बिल्कुल तोड़ मोड़ के निकाल रही है। ये कहानी एक्चुअली थी एक दिन पहले की, जो ये एलिगेशन इसने लगाया था एक दिन पहले का था, और उसके अगले दिन पार्टी में ले गई है। इसका मेकअप भी, प्रियंका का मेकअप इसने खुद किया है, ज़बरदस्ती ले गई है पार्टी में, कह के कि मेरे भाई की पार्टी है, मेरे भाई का बर्थडे मनाया जा रहा है। और जब पार्टी में गई है तो वहाँ पर जो है सुशांत के क्रेडिट कार्ड से बर्थडे का पेमेंट किया है। उसके बाद आई है, उसके बाद जब रात को तो उसके बाद वो सुशांत के पास ही गई वहाँ पर, और अगले मॉर्निंग में सुशांत को उसने बोला कि पिछले रात, जिस रात पार्टी में गई उस रात नहीं, पिछले रात उसने उसको मॉलेस्ट किया था। उसका हमारे पास बहुत प्रूफ है, अगर जरूरत पड़ेगी तो उसको हम लाएंगे पब्लिक डोमेन में, लेकिन उसने क्लेम किया पिछले रात में वो हुआ था। पिछले रात में हुआ था तो तुम पार्टी में कैसे गई, उसका मेकअप क्यों किया, जबरदस्ती पार्टी में क्यों लेके गई? तो ये शुरू में सुशांत उसके बातों में आ गया था, बिकॉज सुशांत को लग रहा था कि ये मेरी लाइफ पार्टनर है। बाद में जब उसको उसका रवैया पता चला, तब उसने, सुशांत ने माफ़ी भी मांगी, सारे बहनों के सामने माफ़ी मांगी, प्रियंका से कहा कि मेरे से गलती हो गई, मैं इसके बातों में आ गया था। इसकी ये सब बातें बोलने का तो वो अपना और केस खराब कर रही हैं, इस तरह की बातें को तोड़ मरोड़ के डालने की कोशिश कर रही हैं। सर,
उनका ये भी कहना है कि 8 जुलाई को वो वहाँ से जाना नहीं चाहती थी, उनकी बहन नीतू आने वाली थी, सुशांत का प्लान था मुंबई छोड़ने का, वो रो रहे थे, घर वालों को बुलाया, उसके बाद जबरन उनको वहाँ से भेजा गया था और उनके जो अंतिम संस्कार में 20 लोगों की लिस्ट थी उसमें भी जानबूझकर उनको शामिल नहीं किया गया था। अंतिम संस्कार में तो कैसे शामिल कोई कर सकता है, जहाँ आपको ये इससे बड़ा प्रूफ क्या हो सकता है? अगर हमको जरा भी डाउट नहीं होता उस समय जैसी बात वो कहना चाह रही, तो अंतिम संस्कार में क्यों नहीं बुलाते? वो तो उसके साथ रह रही थी, लास्ट उसकी गर्लफ्रेंड तो वही थी। अंतिम संस्कार में जो हमने नहीं बुलाया, इससे ज़्यादा प्रूफ क्या हो सकता है? मुंबई पुलिस को इसके बाद भी समझ में नहीं आया कि हम क्या इशारा कर रहे हैं। और जहाँ तक घर छोड़ने की बात है, 8 जून को वो घर पहले छोड़ के गई है, मीतू बाद में सुशांत ने बुलाया है तो मिश्रू आई है। और तीसरी बात, अगर सुशांत उनके नज़र में जैसा वो खुद कहना चाह रही हैं इतनी तबीयत खराब थी, मानसिक हालत इतनी खराब थी, इस मानसिक हालत में जब वो छोड़ के गई तो किसको उन्होंने बताया परिवार के कि ये दवाई चल रही है, इनका ये दवाई का खिलाना बहुत ज़रूरी है, इनका देख रेख करो, ऐसा ना हो कि कुछ गलती हो जाए। और उसके बाद जब वो चली भी गई, अगर उनका कहना है कि उनके तरफ से तो कोई वो हुई नहीं थी, कोई झगड़ा भी नहीं था, वो तो नहीं कह रही कोई झगड़ा हुआ था, अगर चली गई थी तो फिर उसके बाद क्यों नहीं उन्होंने फ़ोन पर उनका एक्सेप्ट किया, क्यों उनको ब्लॉक करके रखा 6 दिन? आज देखिए जितने दिन रोज बात होती रही है, बट उस 6 दिन में बिल्कुल बातचीत नहीं हुई दोनों के बीच में। तो इसका मतलब इनका जो ये कहानी बनाना चाह रही है, ये कहानी तो एक तरह से हमारी कहानी को प्रूव कर रहा है, जो हम बताना चाह रहे हैं, जो सच्चाई है उसको प्रूव कर रहा है कि ये सारा इन्होंने सडनली छोड़ा उनको, अगर अबेटमेंट टू सुइसाइड है तो। अगर अबेटमेंट टू सुइसाइड नहीं है तब तो ये मर्डर में जिम्मेदार है, क्योंकि जिसने भी वो किया है वो सारे लोग इसके थे, घर में सारे लोग इसने अपने रखे थे। आप किसी के घर जाओगे, सारे सर्वेंट्स क्यों बदल दोगे? आप कुक क्यों बदल दोगे? बॉडीगार्ड क्यों बदल दोगे? क्योंकि आपको लगता है कि जो पिछला सर्वेंट स्टाफ है वो फैमिली से टच में है, तो आपको था लगा कि जो कुछ भी मेरे को करना है, जो कुछ भी मेरी मंशा है, जिस तरह से भी मेरे को सुशांत को कंट्रोल करना है, वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा अगर वो पुराने लोग रहेंगे तो। जो इनकी हरकतें होती थी, जो सुनते हैं कि एक फ्लोर में सुशांत सोते रहते थे, दूसरे फ्लोर में पार्टी होती रहती थी, अगर उनके पुराने सर्वेंट होते तो घर वालों को बताते कि ये सब क्या हो रहा है इस घर में। तो चूंकि उनको ये सब नहीं दिखाना था, किसी को परिवार को नहीं पता करने देने का था, इसलिए उन्होंने ऐसा किया कि सारे लोग को बदल दिया और उसके बाद 8 तारीख को चली गई और ब्लॉक कर दिया और सुशांत से कोई बात नहीं की। और जो भी हुआ सुशांत के साथ तो आप लोग सब जानते ही। सर, ये जो रिलीज आया है, जो रिया की तरफ से ही आया है, उनके वकील ने दिया है, इसका मकसद आप कैसे देखते हो? और ये भी उसमें कहा गया कि CBI पे ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन बिहार पुलिस के जुरिस्डिक्शन के खिलाफ थी, मुंबई पुलिस की जांच चल रही थी, कैसे देख रहे पूरे फैसला आने से पहले? देखिए, CBI की जहां तक बात है, जब वो CBI तो पिटीशन में खुद कह चुकी है कि मेरे को CBI चाहिए, पिटीशन में कहा है, फिर उन्होंने एक एडिशनल एफिडेविट में कहा है, फिर उन्होंने रिटर्न सबमिशन में कहा है, इसलिए उसके तो पीछे वापस जा नहीं सकती हैं। अब उनका वकील कह रहा होगा तुमने ये क्या कह दिया, लेकिन अब तो वो कह चुकी, इसलिए वो बात तो अब खत्म हो चुकी है। जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट जजमेंट का सवाल है, मेरे को नहीं लगता सुप्रीम कोर्ट जजमेंट की वजह से कोई वो इन्वेस्टिगेशन तो चल ही रहा है। हाँ, डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन जिस तरह से होता है, जिसमें कि कोई अरेस्ट वाली बात होती है या कोई इस तरह का चीज़ होता है, शायद CBI वेट कर रहा है, क्योंकि CBI को एक और मेरे हिसाब से एक प्रॉब्लम है। CBI को जब तक सुप्रीम कोर्ट का निर्णय नहीं आता है, मुंबई पुलिस कोऑपरेट नहीं करेगी तो एक बड़ा भारी मसला उठ जाएगा। इसलिए CBI इसलिए भी शायद जजमेंट का वेट कर रहा है कि फुल पुलिस से कोऑपरेशन मिले और उनसे सारे कागजात मिले, सारे पोस्टमार्टम के रिपोर्ट मिले, जो भी इंक्वेस्ट की उनकी इंक्वायरी है उस इंक्वेस्ट की इंक्वायरी का सारा प्रोसीडिंग मिले। इस बात के लिए CBI और इसी का डिले का वो फायदा उठा रही है और चाह रही है इस तरह के स्टेटमेंट देख करके सहानुभूति लेना पब्लिक का। सर, जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर अवेटेड है फैसला, उसके पहले उनकी तरफ से ये बयान आना, फिर इधर से काउंटर होना, इसका क्या मतलब हो सकता है? देखिए, हम तो काउंटर सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सारे लोग जानना चाहते हैं कि आपका क्या स्टैंड है, अदरवाइज हम इंटरेस्टेड नहीं इस तरह की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में। लेकिन जिस तरह से उन्होंने एक बयान दिया है और उम्मीद है लोगों की कि अब एनी डे जजमेंट आ सकता है, तो इस तरह से बयानबाजी करना, एक तरह से सिंपथी गेन करने की कोशिश करना, ये एक तरह से कोशिश वो सोच रहे हैं कि इस तरह से सिंपथी गेन कर पाएंगे, लेकिन मेरे हिसाब से इससे सिंपथी नहीं गेन करेंगे, उससे और उनका रवैया और क्लियर हो रहा है कि किस तरह से उन्होंने सुशांत सिंह
को इस्तेमाल किया और जब इस्तेमाल करने की जब जरूरत खत्म हो गई तो उन्होंने उसको फेंक दिया। ये कोई प्रेशर बनाने की साजिश भी हो सकती है कि कोर्ट के जजमेंट के आने पहले इन सारी चीजों को उठा के डाइवर्ट करना। देखिए सुप्रीम कोर्ट जजेस ऐसे नहीं है जो इस तरह के प्रेशर में आ जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट जजेस बहुत तरह के मामले झेल चुके रहते हैं जिंदगी में और उनको उनकी जो विवेक होती है ना वो इस सब मामलों में उनकी विवेक किसी तरह से डाइवर्ट नहीं हो सकती है। वो अपने डिसीजन को अपने विवेक से ही करेंगे और जो तथ्य उनके सामने बहस किया गया उसके बेसिस पे ही करेंगे। सर कोर्ट में सुनवाई की जो पिटीशन है वो फाइल की गई, उसके बाद दो रिटर्न सबमिशन भी दिए गए रिया की तरफ से, लेकिन इस बात का जिक्र रिया ने पहले कभी नहीं किया कि सुशांत की बहन ने उसे मोलेस्ट किया। तो आपको क्यों क्या लग रहा है कि इस तरह जब सुनवाई पूरी हो चुकी है, ऑर्डर रिजर्व हो चुका है, तो इस तरह की बात को क्यों लेकर आ रहे हैं? ये देखिए वही मैं कह रहा हूँ, ये एक परसेप्शन बैटल भी चल रहा है ना, वो परसेप्शन बैटल में सोच रही हैं क्योंकि सब लोग अब धीरे धीरे समझ गए हैं कि क्या हुआ है सुशांत के साथ। उनको लग रहा है कि इस परसेप्शन बैटल में कुछ हम इस तरह की बात बोलें जिससे लोगों का मन जो है वो कहीं ना कहीं उनके तरफ कुछ सहानुभूति आए उनके लिए। और मैं आपको बता दूं, मैंने तो अपनी ज़िंदगी में नहीं सुना आज तक कि इस तरह का कोई एलिगेशन हुई। तो इस तरह वियर्ड एलिगेशन बिल्कुल है, इस तरह के वियर्ड एलिगेशन को बनाया उन्होंने सिर्फ इसीलिए क्योंकि उनको मालूम था कि सुशांत बहुत ज़्यादा डिपेंड करते थे प्रियंका के। प्रियंका उनके अकाउंट्स भी देखती थी, प्रियंका जब भी कोई प्रॉब्लम सुशांत को होता था तो प्रियंका को बुलाते थे और प्रियंका सारा कुछ करती थी और प्रियंका का काफ़ी हस्तक्षेप था घर में। उनके सामने उन्होंने देखा कि सर्वेंट्स को वही ऑर्डर करती थी, कैसे वो अकाउंटेंट्स को बोलती थी। तो इसलिए उन्होंने कहा कि जब तक प्रियंका को ज़िंदगी से नहीं निकालेंगे तब तक, और प्रियंका को ऐसे निकालना उनके लिए मुश्किल था, कोई ऐसा भद्दा ही एलिगेशन लगाने से वो सक्सेसफुल हो सकती थी और वही उन्होंने किया। लेकिन सुशांत ने अपने जीते जी अपनी गलती समझी और माफ़ी मांगी। क्या आपको लग रहा है मुंबई पुलिस जो कि एबल एंड एफिशिएंट पुलिस फोर्स है, इस केस में उनकी तरफ से कोताही हुई और एफिशिएंट नहीं काम कर पाए, प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाए इस केस को? देखिए इसमें कोई दो राय नहीं कि मुंबई पुलिस बहुत ही एफिशिएंट फोर्स है और बहुत ही कैपेबल फोर्स है, लेकिन इस केस में जिस तरह से उन्होंने रवैया उनका सारा हुआ है, एक इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग में, इंक्वेस्ट में सिर्फ इम्पॉर्टेंट होता है कि वो साइटस जहाँ पर बॉडी पाई गई वहाँ का सराउंडिंग सरकमस्टांस और किस तरह से बॉडी हैंग हुई, वो हैंग हुई कि नहीं हुई, सिर्फ इसके अलावा कुछ नहीं देखना होता है। आप देखिए इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग के दौरान लोगों का आना जाना घर में, कोई सामान लेके बाहर जा रहा है, कोई पुलिस ने कोई सीरियसनेस नहीं बरता कि भाई एकदम पूरे उस एरिया को सील करें, जो जो वहाँ घर में थे उनको क्वेश्चन करें, उनको ग्रिल करें, समझने की कोशिश करें कि अगर टंगा तो किस तरह से टंगा, उस जिस पंखे पे वजन उसका ले भी सकता था कि नहीं ले सकता था, क्योंकि किसी ने सुशांत को हैंग करते नहीं देखा है। और सुशांत के गले पे जो निशान है वो अब जिस तरह से बातें आ रही, जिस तरह से पिठानी बदल गया है इस मामले में, जो पिठानी परिवार के साथ था FIR लॉन्च होने तक और परिवार को मदद कर रहा था और बाद में पलट गया, उसने रिया को एक ईमेल भेजा उसको सपोर्ट करने के लिए, तो कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ा सवालिया निशान उठ रहा है कि ये सुसाइड है ही नहीं। अगर ये सुसाइड नहीं है तो फिर तो इंक्वेस्ट में सारी बातें बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए थी, जो हम आज आप डिस्कस कर रहे हैं। हम एक कॉमन मैन भी समझ सकता है कि आप अगर लटक के मरना चाहते हैं तो कोई ऐसे स्टूल पे चढ़ेंगे और स्टूल को जब मार देंगे तभी तो लटकेंगे, आप बेड से कूद के कैसे लटकेंगे क्योंकि बेड में तो आपका पैर लगा हुआ है। अगर आपका पैर लगा हुआ है तो जैसे स्ट्रगल फेज में आएगा, चाहे आदमी कितना भी रिजॉल्व ना हो सुसाइड करने के लिए, वो स्ट्रगल फेज में जब आएगा तो वापस बेड पे चढ़ जाएगा, इम्पॉसिबल है कि ना चढ़ पाए। तो ये सब बातें मुंबई पुलिस को करनी चाहिए थी, उन्होंने बिल्कुल नहीं की, बड़ी लापरवाही बरती है इस केस में। अब क्यों बरती है ये सब तो आप आगे ही टाइम ही बताएगा, इसमें तो मेरा कमेंट करना ठीक नहीं। सर आपने बताया कि क्या रिया ने भी माफी मांगी थी बाद में प्रियंका से, जैसे सुशांत के बारे में आपने बताया? तो नहीं, रिया ने माफी नहीं मांगी थी सुशांत से, ये प्रियंका से, प्रियंका से नहीं, माफी नहीं मांगी रिया। एज वी आर टॉकिंग अबाउट द लैप्सस बाय द मुंबई पुलिस, सो डू यू सी एनी पॉलिटिकल कनेक्शन और पॉलिटिकल प्रेशर बिहाइंड द सीन? वेल आई विल नॉट बी एज रिस्पांसिबल एज काउंसिल फॉर रिया। Riya made a very irresponsible statement in court relying upon press report that the CM of Bihar is, making it a political issue. Whereas CM of Bihar has not done anything on his own. He has told the police that register the FIR if a case is made out, that is not helping anybody. Whereas we did not put any press report in our petition or in our reply to say that there is a political angle in Maharashtra. So I will not make that mistake which Riya's counsel has done, and I will not say anything with regard to the involvement of a political person till such time something comes out in public domain or till something comes out in the investigation. You hope that truth shall finally prevail? I definitely hope that truth will prevail,
and I'm quite hopeful that when a proper investigation is done in this matter, all the facts will come out bare open. Although it will be more difficult if the Mumbai police had done a proper job, probably things would have come out much earlier. And I'm actually concerned the way media is bringing out facts which probably the police should have done. The police has completely failed to bring out facts which the media is bringing out on a daily basis. And that is something which is a worry for the family, because this kind of media exposure will result in witnesses being influenced or witnesses being eliminated and the matter not getting. If the police had done it, then this problem would not have arisen. Sir, the accountant Rajat Mewati has in fact come out and spoken, and he says that all the financial transactions which were made by Sushant were being made by Riya and Shruti, sir. How do you come into this? Because this is something that you and the family have also been mentioning, that they were in complete control of Sushant's finances and all the transactions that were really made. Well, fortunately, in Riya's statement today, she doesn't even deny this aspect. And this is something which has been the stand of the family, because the moment she was able to distance Sushant with Priyanka in April of 19, she immediately took over the accounts and changed the chartered accountant also later on at some point of time and started managing his accounts and doing everything which Sushant was to do. She was doing everything as far as his accounts are concerned. Sir, but Riya ne kaha ki Sushant ke account se unke account mein paise transfer nahi hue. Well, that is a self-certification by Riya. Now, matter is still with the ED. There is a huge amount of cash withdrawal. There was a cash withdrawal is on the plea that there is office expenses on a daily basis. There was no office running of Sushant Singh Rajput. So I don't understand how can she give a certificate to herself till the time ED is still investigating the matter. And it is actually, in a way, trying to, you know, sort of influence the investigation, which is highly improper on her part. ये भी कहा जा रहा है कि सुशांत के खाते में उतने पैसे नहीं थे जिसके ट्रांजैक्शन का दावा किया जा रहा है। Well, again, these are matters for investigation, and these are again self-certifications by Riya, and I would not like to comment on that. Let ED do its job, and whatever will come out in the ED investigation, that will ultimately be taken to its logical end. Thank you. Thank you, sir. Camera बंद. आपने इंग्लिश में वो वाला नहीं लिया. If you want, you can take the other. जो बाकी Vikas Singh, family lawyer of Sushant Singh Rajput, there thanking Times Now for bringing out the facts in this case, going on to rebut all the claims made by Team Riya in that detailed statement that we put out, and he said that this is nothing but a slander campaign against Sushant Singh Rajput's family. Remember, Team Riya has gone after the family once again in a vicious attack and termed the family's call for justice and afterthought. Priyank Tripathi is now joining me. Priyank, crucial people have spoken to Times Now today, and what Rajat Mewati has told us underlines what the family has been saying. More importantly, what Sushant's father has been saying, that Riya Chakrabarty and Shruti Modi were in complete control of Sushant Singh Rajput's finances. See, Pranesh, all these individuals who have faith in Times Now reportage have been coming to us and talking to us very openly. And they also want their voices to go forward to the world, so that the world should know that what happened in the life of Sushant Singh Rajput. And in continuation to that, our colleagues, Siddhant as well as Arneel, has brought us two important testimonies of those individuals who are key witnesses, not even in our eyes, but also in the eyes of the investigating agencies. These people have been questioned by Mumbai police at this Bandra police station, Bihar police officials, as well as by the enforcement directorate. So this clearly establishes that what they have spoken, what is an evidence for the agency, has also come out in public domain by our colleagues. So that clearly establishes, Pranesh, that the theory which the family was saying has been openly come out, and there is no conversation record between the family members or these individuals which could establish by the defense counsels that that statement was tutored one. So it clearly simplifies. Pranesh. All right, Priyank, stay with us. A short break right now. Lots more lined up. We are leading the coverage on the Sushant case. No answers, only allegations from Team Riya. And family lawyer Vikas Singh there nailing the lies of Riya and Riya's legal team. The fight continues. A short break. We return in just a bit.